हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में ठंडाई बनाएंगे। और ये ठंडाई इतनी टेस्टी बनती है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी ये ठंडाई की रेसिपी पसंद आए और हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। ठंडाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खाली बोल ले लिया है, और अब हम इस बोल में डालेंगे 3 टेबल स्पून बादाम। बादाम डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून पिस्ता, साथ में डालेंगे 3 टेबल स्पून काजू। काजू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स, साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून मगज या खरबूजे के बीज, और साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून गुलाब की फ्रेश पत्तियाँ। आप गुलाब की पत्तियों की जगह पे गुलूकंद भी ले सकते हैं, या सूखी गुलाब की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, और साथ में डालेंगे 10-12 हरी इलायची। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सभी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हम इतना डालेंगे कि ये जो सारी सामग्री है ये पानी में अच्छे से डूब जाए। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे, या ओवरनाइट इसको हम भिगो कर रख देंगे, ताकि ये सारी सामग्री जो है अच्छे से फूल जाए। लेकिन हम तो इसमें 2 चीज़ें डालना भूल ही गए, चलिए अब डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ डालने के बाद अब हम सौंफ को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। सौंफ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी का टुकड़ा बहुत छोटा यूज़ करिएगा, क्योंकि दालचीनी का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर दालचीनी आपने ज़्यादा डाल दी, तो हो सकता है कि दालचीनी की वजह से आपको ठंडाई का टेस्ट ना पसंद आए, इसलिए दालचीनी का टुकड़ा बहुत छोटा सा डालिएगा। और दालचीनी डालने के बाद अब हम इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे, ताकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं और जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से फूल जाएं। ये देखिए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, और सभी ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस अच्छे से फूल गए हैं। चलिए अब हम इसे पीसते हैं, और पीसने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, और अब हम ये सारी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल देंगे। सभी सामग्री को मिक्सी के जार में डालने के बाद अब हम एक जायफल लेंगे, और उस जायफल को हम कद्दूकस करेंगे, और 1 पिंच के करीब ही हम जायफल कद्दूकस करके डालेंगे। 1 पिंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जायफल का फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जायफल डालने के बाद अब हम जार को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमने सभी सामग्री को पीस लिया है, और ये देखिए एक फाइन पेस्ट बना लिया है। लेकिन फिर भी अभी हम इसे छानेंगे, और छानने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल लिया है, और बोल में एक स्टेनर रख दिया, और स्टेनर की सहायता से अब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद ठंडाई का एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, और ये देखिए छानने के बाद जो ये बच गया है, इस बचे हुए मिश्रण को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि जब हम सब्जी बनाएंगे तो हम इस मिश्रण को उस सब्जी में यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो ठंडाई वाले पेस्ट को बिना छाने भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम ठंडाई को बनाएंगे और बनाने के बाद ठंडाई को पिएंगे, तो जो मिश्रण में कण हैं वो बार बार मुंह में आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है ठंडाई बच्चों को ना पसंद आए, इसीलिए मैंने ठंडाई को छान लिया है। चलिए अब हम ठंडाई सिरप बनाना शुरू करते हैं, और ठंडाई सिरप बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे चीनी,
चीनी की मात्रा ठंडाई वाले पेस्ट के बराबर होगी। जितना हमारा ठंडाई का पेस्ट होगा उतनी ही हम चीनी लेंगे। ये ठंडाई वाला पेस्ट लगभग 2.5 कटोरी के करीब है, इसलिए हम कढ़ाई में 2.5 कटोरी चीनी डालेंगे। ये देखिए, ये 1 कटोरी चीनी हमने डाली, ये 2 कटोरी चीनी डाली और अब हम डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी, यानी टोटल 2.5 कटोरी चीनी हम कढ़ाई में लेंगे। 2.5 कटोरी चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में पूरी तरह से घुल नहीं जाती। हमें यहाँ पर 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें चीनी को पानी में घुलने का इंतज़ार करना है। ये देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे। केसर डालने के बाद अब हम केसर को मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे जो हमने ठंडाई का पेस्ट बनाया था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इस मिश्रण को बराबर चलाते हुए पकाएंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ठंडाई वाला मिश्रण थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और साथ ही हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अगर हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया तो ये जो ठंडाई वाला मिश्रण है ये उबल कर कढ़ाई से बाहर गिर जाएगा, इसलिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ये देखिए, ठंडाई वाला मिश्रण कुछ थिक हुआ है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा थिक और करना है, इसलिए अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए, ठंडाई बनकर रेडी हो गई है और ठंडाई पहले से थोड़ा थिक हो गई है। हमें ठंडाई को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जब ठंडाई ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा थिक और हो जाएगी। बस इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडाई सिरप को एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ठंडाई सिरप ठंडा हो जाएगा तब हम इस ठंडाई सिरप को एक बोतल में भर करके कम से कम 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में रख करके आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ठंडाई सिरप या ठंडाई को एक बोल में निकाल लिया है और देखिए ठंडाई कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है और साथ में कलर भी देखिए ठंडाई का कितना सुंदर आया है और टेस्ट की तो पूछिए ही मत। मार्केट से कई गुना टेस्टी ठंडाई आप घर पर ही बना सकते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी फूड कलर के। चलिए अब हम ठंडाई को सर्व करते हैं। ठंडाई को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर 2 खाली ग्लास लिए हैं, क्योंकि हम ठंडाई को 2 तरीके से सर्व करेंगे। 1 ग्लास में हम दूध डालेंगे और 2 ग्लास में हम पानी डालेंगे। तो चलिए पहले हम ग्लासेस में खूब सारी आइस क्यूब डाल देते हैं। आप आइस क्यूब की जगह पे क्रश की हुई आइस भी डाल सकते हैं। इस डालने के बाद अब हम 1 ग्लास में दूध डालेंगे। 1 ग्लास में दूध डालने के बाद अब हम 2 ग्लास में पानी डालेंगे। दोनों ग्लासों में पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून ठंडाई, और ठंडाई की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। ठंडाई डालने के बाद अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। दोनों ग्लासेस की ठंडाई को मिक्स करने के बाद अब हम इन ग्लासेस में डालेंगे चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता। ये देखिए, किए हुए बादाम और पिस्ता डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। केसर के धागे डालने के बाद अब हम ठंडाई को सर्व कर सकते हैं और देखिए कितनी बढ़िया ठंडाई बनी है। मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छी ठंडाई हम घर पर बना सकते हैं और साथ ही ठंडाई में डाली जाने वाली सामग्री की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपको काले मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप काले मिर्च की मात्रा को कम कर सकते हैं। अगर आपको जायफल या दालचीनी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
और साथ ही हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक मैसेज है हमारी तरफ से, हमारी और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी होली।